ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने किया पर्दाफाश, एक अभियुक्त गिरफ्तार, 3 फरार। 3 फरवरी को चमोली जिले के पोखरी बाजार में एक ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी का थाना पोखरी पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद नेपाली मूल के एक चोर को गिरफ्तार करके लिया है, जबकि ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी में शामिल अन्य 3 अभियुक्त फरार चल रहे हैं। बताते चलें कि 3 फरवरी को पोखरी बाजार में एक ज्वेलर्स की दुकान में रात के समय हुई चोरी में अज्ञात के खिलाफ दुकान स्वामी भूषण शाह द्वारा थाना पोखरी में तहरीर दी गई थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने पुलिस क्षेत्राधिकारी विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष ध्वजवीर सिंह पंवार के नेतृत्व में चोरी जैसे संगीन अपराध का शीघ्र अनावरण करने के निर्देश दिए थे। थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने अभियोग में त्वरित निस्तारण के लिए अज्ञात अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए सीसीटीवी फुटेज को सर्विलांस की मदद से आज चोरों में शामिल हुई अभियुक्त मदन बहादुर शाही को पोखरी गोपेश्वर मोटर मार्ग पर गजेड़ गांव के समीप गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में उसने अपने 3 और साथियों की चोरी में शामिल होने की बात कही। वे अभी फरार चल रहे हैं, जिसकी गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को न्यायालय में पेश